अगेन आई हूँ एक स्पेशल बात कहने के लिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, ठीक है। बहुत से मुझे लोगों ने कहा कि मैं प्यार को इस तरीके से बोलती हूँ कि मुझे नफरत है, बकवास ऑल, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो क्या आपको, मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला, क्या आपके साथ ज़िंदगी में कुछ हुआ था या आपको किसी ने चीट किया था? मेरे को किसी से प्यार ही नहीं हुआ था, मैं ऐसा मैंने कोई कुछ नहीं करा था, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी वॉल्यूम कि मैंने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी फ्रेंड को, मैंने अपनी फ्रेंड को देखा था उसको जैसे परेशान होकर कि उसने प्यार में कितना कुछ सहा, राइट। ये चीज़ मैंने देखी थी तो मुझे प्यार से नफरत हो गई। और मेरा चाइल्डहुड बहुत वैसा गया, मतलब परेशानियों में, वो चीज़ भी देखी तो मेरे लाइफ में प्यार की कहीं ना कहीं कमी थी, तो इस वजह से भी मेरे को प्यार नहीं मिला, ये सब चीज़ें, मतलब थोड़ा सा था। तो ये नहीं है मेरे पेरेंट्स नहीं है, ऐसा मत सोचना, पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत प्यार करने वाले सब हैं। कुछ चीज़ों को लेकर जो मैं चीज़ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं बतानी है, अपनी पर्सनल लाइफ मुझे शेयर भी नहीं करनी है, राइट। तब मेरा ये जो फ्रेंड मैंने आपको बताया, जो मेरा रोहित, बहुत क्लोज फ्रेंड, इसको मैंने एक बार रोकर ये बात बोली थी, बहुत रोई थी मैं, तब मैंने ये बात बोली थी कि मुझे मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जैसे आप लोग कहते हैं ना नेगेटिव हो जाते हैं, आप तो कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। तो मैंने ये बोला कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मैं ऐसी हूँ, शायद मुझसे इसलिए प्यार नहीं करता, मैं वैसी हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे गुस्सा आता है इसलिए प्यार नहीं करता। तब उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया, उसने कहा कि तू शॉर्ट टेम्पर नहीं है, पहली बात, तू सच बोलती है, सामने वाला गलत होता है, तू मुंह पे सच बोलती है इसलिए तेरे को लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। तू मुंह पे सच बोल देती है तो लोगों को आग लग जाती है कि इसने हमारा सच कैसे पकड़ लिया, इसलिए लोग तिलमिला जाते हैं और तुझसे दूरी बनाना शुरू करते हैं, इसलिए तेरे को लगता है कि वो तुझसे प्यार नहीं करते। तब मुझे समझ आया बात इसने सही कही है और मुझे झूठ से बहुत नफरत है, आई हेट, मुझे बहुत नफरत है झूठ, धोखा, झांसे में रखना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। ये चीज़ मुझे उसने बताई तो मुझे लगा कि ये सच बोल रहा है। फिर रोहित ने कहा कि तू सच्ची है ना, लोगों को सच बर्दाश्त नहीं आज की डेट में, उनके मुंह पे लोग सच बोल देते हैं जो तू बोलती है, राइट। ये चीज़ उसने बोली तो उसने ये कहा कि आज तुझे लगता है कि तुझसे कोई प्यार नहीं करता, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब हजारों लाखों लोग तुझसे प्यार करेंगे। तब मुझे बहुत तेज हंसी आई थी, मैं रोते रोते हंसी थी, रोते रोते मैंने कहा क्या फालतू की बात बोली ना, तो उसने कहा कि ये फालतू की बात नहीं है, ये सच है, क्योंकि जो तू है, जितना तेरा दिल साफ है, जितने तेरे अंदर इमोशंस हैं, जितना तू प्योर लव करती है, किसी को देती है, अपने पूरा 100% देती है, उस तरीके से तेरा जो है ना वो दुनिया को नज़र आएगा। आज कोई तेरे को नहीं समझता, ना समझे, मगर ज़िंदगी में तेरे को लाखों हजारों लोग प्यार करेंगे, तब तेरे को पता चलेगा। तब मेरे को नहीं पता था कि वो बात सच हो जाएगी और आज आपके सामने मैं बैठी हूँ और आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि उसकी बात सच हो गई, ये चीज़ है। आज मैं पॉजिटिव हूँ इस वजह से, बहुत पॉजिटिव हूँ, और जो मेरे अंदर प्यार है आप लोगों की वजह से,
उसके वजह से है, फैमिली के वजह से है, हस्बैंड के वजह से है, इसलिए है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिव सोचने से होती हैं। तो कभी भी अपनी अपने अंदर कमी महसूस ना करें, कमी को ना खोजें कि हमारे अंदर कमी है, जैसे मैंने खोजी थी, तो उस चीज़ को ना वो करें कि हमारे अंदर कमी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जैसे मैंने सोचा था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे किसी के खातिर आप अपने आप को ख़त्म करने की सोचें, वो मत करिए, राइट? कि हम किसी की वजह से अपनी जान दे दें, उसका कुछ नहीं होगा। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो आपकी आँख में आंसू ही नहीं आने देगा। ये चीज़ भी है, इस चीज़ को बहुत नोट करके रखिए। अगर वो आपसे प्यार करता होगा तो आपको अकेला ही नहीं छोड़ेगा। जो सच्चा होगा, चाहे वो दोस्ती में हो, प्यार में हो, या किसी के साथ रिश्ते में हो, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ भी है। आज जब किसी चीज़ को लेकर मैं परेशान होती थी, तब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो, मगर मेरा दोस्त खड़ा होता था। आज वो मेरे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ है। मेरे साथ नहीं है, आप सबके साथ है। आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, उसका नाम लेके आपके लिए वो कार्ड्स निकाल देता है। तो ये देखिए कि मेरे साथ है, वो आपके साथ है। तो जिसको साथ निभाना होता है ना, वो मर के भी साथ निभाता है। तो ऐसी इंटेंशंस के साथ वो इस दुनिया में आया और इस दुनिया से गया, जाते हुए भी नहीं गया, हमारे साथ ही है, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग प्रीशियस हैं, अपना ध्यान रखिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ, राइट? एनीवेज, अपना दिन अच्छे से बनाइएगा, कल का मैं भी इंजॉय करूँगी अपने बच्चों के साथ, ठीक है? टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, नमस्ते।